हेलो गाइस, वेलकम टू राउमी चैनल 2023। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। एंड सॉरी टू से कि काफी टाइम से हमारा कोई ब्लॉग आ नहीं पाया अभी तक, बिकॉज ऑफ काफी बिजी चले थे, काफी ऑक्यूपाइड थे, काम दिन भर काम करने में, तो इतना समय मिल नहीं पा रहा था। बट टाइम टू टाइम हम शॉर्ट्स तो बना ही रहे थे आप लोगों के लिए। तो फाइनली हमने एक ट्रिप प्लान कर लिया है, आज उसको अंजाम देंगे। तो हम लोगों ने काफ़ी सुना है काटू श्याम बाबा के बारे में, कि जैसे कि वो हर दुखी के गम हर लेते हैं काटू श्याम वाले बाबा। एक इनको भी दुख है पता नहीं किस चीज का, तो ये भी इसीलिए जा रहे हैं। तो काफी समय से मैं सोच रहा था काटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, तो आज वो दिन आ गया है, उन्होंने हमें बुला लिया है। तो फाइनली हम जा रहे हैं राजस्थान खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ में आपको भी करवाएंगे बाबा जी के दर्शन। तो फाइनली ट्रिप प्लान हो चुका है, तो थोड़ी देर मतलब शाम को 12 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। तो यूं ही हमारे साथ बने रहें और हमारा ब्लॉग देखते रहें, एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने के लिए इसलिए मैंने सोचा। अभी जस्ट पूजा ने मुझे पूछा कि काटू श्याम जी थे कौन, तो मुझे काफी हंसी, मतलब उनका जो ये मंदिर है वो क्यों मना गया और क्यों उनको पूजा गया, मुझे ये स्टोरी नहीं पता थी। और जैसे बोलते हैं कि काटू श्याम जी मतलब जो भी उनके दरबार में जाते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं आता, तो मतलब वैसे क्या है लोग इतना इनको पूछते हैं, क्योंकि हम हर जगह जहाँ जितने भी मंदिर गए तो सबकी स्टोरी मुझे पता तो है। यही चीज सोच के मुझे थोड़ी हंसी भी आई, क्योंकि ये काटू श्याम जी कर रही थी और उसको पता ही नहीं है कि काटू श्याम जी थे कौन। तो मैंने सोचा इसको बताने के साथ साथ आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। आई डोंट नो कि मैं ठीक हूँ, कि मुझे भी पूरी तरह से पता या नहीं पता है, जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि काटू श्याम जी थे कौन और उनका नाम काटू श्याम जी कैसे पड़ा। तो महाभारत से जुड़े हुए एक महान योद्धा थे, जो पूरी महाभारत में कहीं नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने काफ़ी उनका महाभारत में काफ़ी बड़ा रोल था उनका। तो काटू श्याम जी का असली नाम काटू श्याम जी नहीं था, उनका असली नाम था बरबरी, और वो खटुतखच के बेटे थे, पुत्र थे, और खटुतखच जी भीम जी के पुत्र थे। वो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए उसको अभी रहने देते हैं, और अभी आते हैं हमारे काटू श्याम जी बाबा जी के पर, उनके बारे में जानते हैं। तो काटू श्याम जी एक महान योद्धा थे, जिनको महादेव से मिला वरदान था, उनके पास 3 बाण थे जिनसे वो पूरी सृष्टि को ख़त्म कर सकते थे। बट उन वरदान का यूज़ भी वो तभी कर सकते थे जो हारने वाली टीम थी, मतलब जो लोग हारे पक्ष से थे उन्हीं की साइड से वो लड़ सकते थे, उनको ही जिता सकते थे। तो 3 बाण से वो पूरी सृष्टि ख़त्म कर सकते थे, 3 बाण से वो पूरा युद्ध ख़त्म कर सकते थे। तो जब महाभारत हो रही थी तभी वो महाभारत पे आ रहे थे युद्ध के लिए, मतलब कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए आ रहे थे। तो कृष्ण जी को ये बात पता लगी, कृष्ण जी तुरंत उनके पास गए, और कृष्ण जी को भी मतलब ये नहीं पता था कि सही में वो युद्ध ख़त्म कर देंगे। तो कृष्ण जी ने जस्ट ये चीज़ जानने के लिए उनसे बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि आप ये युद्ध ख़त्म कर दोगे 3 बाणों में। तो उन्होंने कृष्ण जी को एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए बोला कि मैं 1 बाण से यहाँ पर जितने भी पत्ते हैं, मतलब जितने भी वहाँ पर एक पेड़ था, जितने भी पत्ते हैं वो मैं सब ख़त्म कर दूँगा। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है, चलो ठीक है, करके दिखाओ। और साथ ही साथ कृष्ण जी काफ़ी चलाक थे, नटखट थे, तो उन्होंने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया था, क्योंकि वो भी थोड़ा मतलब वो शॉक्ड हो गए थे कि सही में ये मतलब युद्ध ख़त्म कर देगा, इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा है। तो कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया, फिर बरबरी जी ने अपना बाण चलाया और सही में सारे पत्ते एक बाण से ख़त्म हो गए। साथ ही साथ जो कृष्ण जी के पाँव के नीचे पत्ता था तो वो बाण वहीं पे घूमने लग गया। तो कृष्ण जी कंफर्म हो चुके थे कि 3 बाणों में सही में ये महाभारत ख़त्म कर देगा। तो कृष्ण जी इस चीज़ को देख के थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि अगर ये कौरव की तरफ से लड़ेगा तो पांडव कैसे जीतेंगे। तो कृष्ण जी ने वहाँ पर अपना दिव्य रूप बरबरी को दिखा दिया, तो बरबरी ने देख लिया कि ये तो साक्षात भगवान है। तो बरबरी जी वहीं पे उनके आगे हाथ जोड़ के बोलने लग गए कि अब मैं क्या करूँ भगवान जी, आप बताइए। तो कृष्ण जी ने बोला
अब करना क्या है, आप एक काम करें, आप अपना शीश शिष्य, हाँ अपना शिष्य मुझे दे दीजिए। तो कृष्ण क्या बताऊँ, बलभद्र जी ने बोल दिया ठीक है मैं आपको दे देता हूँ अपना शिष्य। शिष्य मेरा जीवन तो सफल हो गया, मैंने आपका दिव्य रूप आपको साक्षात देख लिया है, तो मेरा जीवन तो वैसे ही सफल हो गया, मेरे जीवन में अब कुछ है नहीं करने के लिए। तो उन्होंने अपना शिव देख लिया, बट उन्होंने बोला बस मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं पूरी महाभारत होते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसा क्या है महाभारत में जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहा है, तो मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी बोला ठीक है मैं, आप पूरी महाभारत देख सकते हो, और साथ ही साथ महाभारत ख़त्म होते ही मैं आपको दोबारा जिंदा कर दूंगा। तो बलभद्र जी ने कहा नहीं, मेरे को जीने की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में वैसा कुछ रह ही नहीं किया करने के लिए, मैंने आपको आपका रूप दिव्य रूप देख लिया, वो ही तभी मेरा जीवन अब सफल हो गया। तो अब मैं, मुझे सिर्फ मोक्ष दे दीजिएगा, ये मेरे लिए काफ़ी रहेगा। तो कृष्ण जी ने उनकी उनका जो सर है का एक पहाड़ पे जाके रख दिया, जहाँ से पूरी महाभारत दिख रही थी। तो पूरी महाभारत हो गई लास्ट में ख़त्म, सब चीज़ हो गया। तो कृष्ण जी उनके पास गए, तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है अब मैं आपको दोबारा से जिंदा कर देता हूँ। और उनके सामने एक क्वेश्चन रखा कि आप मुझे बताएं कि आपने महाभारत देखने के लिए तो कहा, तो महाभारत में आपको क्या दिखा। तो उन्होंने बोला महाभारत में बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे थे, एक से बड़े बड़े योद्धा थे, तो मुझे उनमें से कुछ नहीं दिखे, मेरे को सिर्फ दिख रहा था आपका चक्र, मुझे एक चक्र घूमता हुआ दिख रहा था सिर्फ। पूरी महाभारत में मैंने एक चक्र घूमता हुआ देखा। तो वो सारी लीला कृष्ण जी की थी, आपको बताइए कि नारायण वो जगत नारायण थे, तो उनके होते सोते तो जो वो चाहते हैं वही होता है। तो उनने चाहा ही था कि पांडव जीते, तो उनके चक्र ही घूम रहा था इधर से उधर। तो बलभद्र जी ने वही देखा वही बताया। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है अब आप वरदान मांगे, आपको क्या चाहिए, मैं आपको दोबारा जिंदा कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सफल है, बस मुझे मोक्ष प्राप्त कर दीजिए, मोक्ष प्राप्ति दे दीजिए। तो कृष्ण जी ने बोला ठीक है मैं आपको मोक्ष प्राप्ति दे देता हूँ, साथ ही साथ में मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि कलयुग में जब भी कोई किसी को ज़रूरत होगी तो आपका नाम लेने से उसकी ज़रूरतें सारी पूरी हो जाएंगी और उसके गम सारे दूर हो जाएंगे। तो साथ ही साथ में और साथ साथ में जब भी मेरा नाम बोलेंगे, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी बोला जाएगा। तो तभी उनका नाम काटू श्याम जी पड़ा, कटा हुआ उनका सर था और साथ में नारायण जी ने अपना नाम उनको दिया श्याम, तो उनका नाम काटू श्याम जी पड़ा। और तभी उनको कहते हैं कि हारे का सहारा, जो भी जीवन से हारा होता है, जो जिनके पास दुख होते हैं, तो उनका सहारा हमारे काटू श्याम जी बनते हैं, हमेशा बनेंगे आगे भी। जब भी आप उनका नाम लेंगे तो आपके जीवन में जितने दुख होंगे वो सब पूरे होंगे। तो ऐसे ही उनका नाम काटू श्याम जी पड़ा। और आपने देखा होगा उनके, मतलब जब आप उनकी फ़ोटो देखते हो तो उनके इधर उधर तीन त्रिशूल होते हैं, वही तीन त्रिशूल उनके वरदान थे। तो काटू श्याम जी की यही कहानी थी। नहीं पावर इतना तो है, मानना तो पड़ेगा उनको, क्योंकि पिछले साल मैं भी ऐसी सोच रही थी कि भगवान मतलब क्या है ऐसा लीला, मुझे भी दिखाओ जरा, मतलब मैं भी जाना चाहती थी। तो लास्ट ईयर बस मैंने ये उनके बारे सोचा में जानती नहीं थी, बस ये इसको यही बताना मैं कि हाँ जाऊँ, वो मेरा था चमत्कारी है वो ऐसे है। तो असली कहानी वो ये थी कि महाभारत के बहुत बड़े योद्धा थे काटू श्याम जी हमारे। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसा आपको भी पहुँचानी थी, मुझे भी पता नहीं है मैंने ठीक बताया है या नहीं बताया है, कुछ गलती हुई होंगी, जस्ट मेरे को जो पता था वो नॉलेज मैंने आप तक शेयर करी। तो लेट्स स्टार्ट अपना ब्लॉग यहाँ से, अब अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, और और अब हम फिर होते हैं यहाँ से तैयार और दिखाते हैं आपको कि हम आगे काटू श्याम जी सफर। के दर्शन तो कैसे जय करते काटू श्याम बाबा जी, हैं। हारे का सहारा है काटू काटू श्याम श्याम हमारा। ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, हम पहुंच काटू चुके श्याम हैं, मंदिर जस्ट 100 किलोमीटर दूरी पे हैं हम काटू श्याम से। तो काफी मतलब 2-2.5 घंटे हो गए थे कंटिन्यू 12 बजे से ड्राइव करते हुए, हम लगातार मैं कंटिन्यू ड्राइव कर रहा था। साथ दे रही थी ना,
इनको रास्ता कौन बताता है? मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, तो यहाँ पर हमने चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, हरी पवित्र भोजन भोजनालय है। तो बोल लो या मुझे बोल दो। दोनों की हिंदी खराब है, एक्चुअली हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े नहीं, तो डबल इंग्लिश से पढ़े, तो हिंदी तो यहाँ पर हमने जस्ट चाय पी है, तो चाय पी के अब थोड़ा फ्रेश हो गए हैं। अब आगे का सफ़र यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। कंटिन्यू करते हैं सोते सोते, क्योंकि इससे आगे नींद आने वाली है, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 बजे हमने घर से अपना सफ़र स्टार्ट किया था और 3 बजे हम पहुँच चुके हैं और 100 किलोमीटर और रह रहा है रास्ता, तो 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, मतलब 5-5:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। कोशिश है। हाँ, तो अभी के लिए जय कर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो सुबह के 6 बज गए हैं, हम ऑलमोस्ट खाटू श्याम मंदिर पहुंचने वाले हैं। जस्ट 50 किलोमीटर, नॉट 50 किलोमीटर, ओनली 25, अराउंड या 30 किलोमीटर रह रहा है सफ़र। और सुबह के 6 बज गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 बजे तक हम खाटू श्याम मंदिर पहुंच जाएंगे, बट नहीं पहुंच पाए बिकॉज ऑफ रास्ते में हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था, बहुत ज़्यादा। और पूरे रास्ते पूरे हाईवे पे इतने ज़्यादा डंपर चल, मतलब जो ट्रक होते बड़े बड़े वो चल रहे थे, मैं बता नहीं सकता इतने ट्रैफिक में फंस गए। बाकी ये तो सोते हुए आई है पूरे रास्ते। और दोस्तों वन मोर थिंग कि यहाँ का मौसम देख सकते हो आप पीछे, देखो दोस्तों यहाँ पर मौसम इतना प्यारा हो रहा है, जिस मौसम में उत्तराखंड के वेदर को भी फील कर दिया है। प्यारे से मौसम में मैं आपको एक प्यारी सी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ गाइस, मैंने यहाँ शादी से पहले एक जमीन, मेरी लॉटरी लग गई थी, तो मैंने बकवास बाद में सुनेंगे, तो मौसम की बात कर रहे थे हम अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर बारिश आने वाली है, बारिश के चांसेस है, तो हम बारिश का ही पूरा पूरा आनंद लेंगे। तो और मन और एक और चीज़ और, यहाँ पर पहाड़ भी है, तो उत्तराखंड वाली वाइब्स भी पूरी पूरी आ रही है हमें यहाँ पर, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर पहाड़ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो गाइस हम लोग पहुँच गए खाटू श्याम और ये है यहाँ की पार्किंग, तो बहुत ही लंबे सफर के बाद 7 बज गए हमें यहाँ आते आते, पहुँच गए हो यहाँ पार्क में, तो सौ रुपये लगे हैं। हाँ इस हम यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, आपने सोचा था जल्दी दर्शन कर लेंगे खाटू श्याम बाबा के, पर देखो लेट होगी क्योंकि बहुत वक्त हमसे पहले लाइन में खड़े हैं, लेकिन फिर भी ठीक टाइम पर होते हैं, ज्यादा भाई जाके पंखे देखो कितने बड़े बड़े पूरे बॉल ले हवा फैला दे, भक्तों के लिए फुल सेवा है। बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है और इतने लोग बाबा का जयकारा लगा रहे हैं, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ से उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन लेने के लिए। तो आर यू एक्साइटेड? थोड़ी ही देर में हम उनके दर्शन करने जाएंगे, और चलिए आपको भी दिखा देते हैं कि भीड़ और यहाँ बहुत प्यारा अच्छे तरीके से सजा है, तो आप भी जरूर आइए, मन आनंद आ जाए। ऐसी रख दो, मैं तो कह रहा हूँ घर ले जाएंगे यार। दोस्तों बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, साथ ही साथ आप लोगों को मैंने करवा दिए हैं, काफी अच्छा लगा बाबा जी के दर्शन करके। मैं कुछ विश मांगना भूल गया हूँ क्योंकि भगवान ऑलरेडी, भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए, तो हमें वो मांगने की जरूरत नहीं है, वो हम हमेशा अपने मन में रखते हैं, तो भगवान सुन ही लेते हैं। तो हमने कोई जगह नहीं, ब्लॉग शूट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ काफी थक गए थे, कंटिन्यूस ये ड्राइव कर रहे थे और बारिश बहुत बारिश हो रही थी वहाँ पे, तो हम कुछ शूट नहीं कर पाए, बस जस्ट ड्राइव। सुबह हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छे से हो
हाँ बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे, टाइम से दर्शन हो गए थे और हम वहाँ से निकल गए। फिर हमने कोई शूट नहीं किया। अब रिसेंटली हम यहाँ पर रुके हैं सुखदेव ग्रुप ऑफ होटल ढाबा, जहाँ पर हमने थोड़ा लंच वगैरह किया है क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, खाना बहुत अच्छा था, मस्ट विजिट एट, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर शूट करके आपको बता दिया जाए। 280 पे यहाँ पर एक थाली मिलती है, उसमें चार पांच आइटम्स मिलते हैं, उतने में आप दो जने खा सकते हैं, एक थाली में आप दो जने खा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अपडेट करनी थी तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। देख सकते हो आप, ये है सुखदेव ढाबा, तो काफ़ी टेस्टी खाना था यहाँ का और काफ़ी अच्छी सर्विस थी यहाँ पर, हाइजीन। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना ब्लॉग खत्म करते हैं और हम बस एक घंटे बाद अपने घर पहुँच जाएंगे। हम जस्ट टच गुड़गांव के टच पे हैं और यहाँ से बस एक घंटा और लगेगा दिल्ली पहुँचने में। तो यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। तो हमारे इस ब्लॉग को बहुत प्यार दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पे नया आ रहा है, हमारा ब्लॉग नया देख रहा है, वो भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय काटू श्याम बाबा लिखना। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।